तो ये है सावन की डोकरी। क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है? इसको देख के ही लग रहा है कि ये कितनी सुंदर लग रही है। ये ऊपर से एकदम वेलवेटी वेलवेटी होती है, मतलब कि बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट दिखती है। और आप देख सकते हैं कि ये कैसे चल रही है और इसके आगे जो फंस बने हुए हैं उनकी हेल्प से ये कैसे अपने बॉडी को मेंटेन कर रही है। आपको इसे देख के इसे लग रहा होगा कि ये इतनी बड़ी है, लेकिन नहीं, ये एक्चुअल में इस साइज की है। और आप देख सकते हैं कि ये कैसे फुदक फुदक के भाग रही है। इसे हम हाथों में भी ले सकते हैं, मतलब ये अपने लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये देखिए, हाथ में लेने पे भी ये ऐसे ही भागती है जैसे नीचे भाग रही थी। इसे हम हाथ में लेके अच्छे से देख सकते हैं। ये ज़्यादातर बारिश के टाइम में दिखती है, उसके अलावा ये देखने को नहीं मिलती है। ज़्यादातर ये खेतों में देखने को मिलेगी। बारिश के टाइम में ये खूब निकलती है और ज़्यादातर बाहर ही देखने को मिलती है। ज़मीन में ये उस टाइम नहीं जाती है। जैसे ही बारिश का मौसम वापस ख़त्म होता है तो ये वापस ज़मीनों में चली जाती है। अगर आप भी सावन की डोकरी को जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।